फॉर yes, एग्जाम्पल okay. so, आपको किसी भी मसल में करनी होती है ठीक है ओके मैं पे मैं बता देती हूँ ठीक है एक बार सुन लो अगर नहीं समझ आता अगेन ठीक है तो आप मैंने आपको पहला जो थॉट प्रोसेस दिया था मैंने ये कहा था देखो मसल स्पिंडल एक रिसेप्टर है और रिसेप्टर का काम का क्या होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना ठीक है उसने क्या इंफॉर्मेशन बेसिकली उसका क्या काम होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं करना इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके भेजना आगे ठीक है मसल स्पेंडल हमारी बॉडी का वाहि रिसेप्टर है जिसकी मोटर सप्लाई भी है ठीक है यानी कि एक तो वो इन्फॉर्मेशन जो है भेज रहा है स्ट्रेच की और वो खुद भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ठीक है क्योंकि उसके एंड पे एप्टिन मायोसिन है ये क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है ताकि हमें जब भी कोई मसल जो है स्कैल्टन मसल की मूवमेंट करनी हो

और स्मूथनेस नहीं होगी मूवमेंट में तो बेसिकली एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स तो जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं लेकिन वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन किस किस चीज पे करा रहे हैं इसलिए करा रहे हैं कि मसल उनको स्ट्रेच की इंफॉर्मेशन भेज रहा है रिमेंबर रिफ्लेक्स आर्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होती जब तक के सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं जाए मैंने आपको कल भी एक एग्जाम्पल दी थी इसकी कि हमारा पाउंड जब सुन हो जाता है तो हमारे मसल्स काम नहीं कर रहे होते हमें कोई नहीं वावा होता, लेकिन क्या होता है, कि की या की रही होती है तो मोटर एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस हो रही होती मोटर so एक्टिविटी के उसका इनपुट जाए तो ही रिफ्लेक्स आर कम्प्लीट होगी बट वी नीड दू पर आपके हाथ में एक शॉपर पकड़ा हुआ है आपने ठीक है आप इमेजिन करो अगर आप हर दफा मसल रिलैक्स कर रहा हो तो आप पूरे रास्ते में उसको पता नहीं हजारों दफा गिरा के आओगे सो हाउ दैट इज पॉसिबल दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द को एक्टिवेशन ऑफ द गामा मोटर एंड हाउ दिस हैपेंस दिस इज नॉट द लोकल रिफ्लेक्स लोकल रिफ्लेक्स ने सिर्फ क्या किया जो आपने हैमर से मारा आपने हैमर स्ट्राइक की मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया मसल ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके आपको दिखा दिया आई एम फंक्शनिंग वेल ठीक है

डिसो डिसेंडिंग ट्रैक है जो ट्रैक है है ठीक वो जो है ए गामा को भी एक्टिवेट करता है और ए अल्फा को भी एक्टिवेट करता है अपार्ट फ्रॉम द लोकल रिफ्लेक्स और मसल की कॉन्ट्रेक्शन को सस्टेन करता है ठीक है फॉर द टाइम पीरियड जब तक के वो कॉन्ट्रेक्शन हमें रिक्वायर्ड है या तब तक के जब तक के मसल वो फटीग नहीं हो जाता कितने लोगों को ये बात क्लिक करके जी नहीं समझ आई तो फिर से पूछ लो ठीक है सो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स क्या है मोनोसाइनेप मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स इज रिफ्लेक्स ठीक है लेकिन जो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज नॉट द मोनोसाइन दैट इज फ्रॉम द डिसेंडिंग ट्रैक टू टू कीप द मसल कॉन्ट्रैक्टेड तो हम जो टेंडेंस है जितने भी अब हमारा की पॉइंट क्या है जो हम इसको अगर सम अप करें तो सम अप हम कैसे करेंगे ठीक है सम हम करते हैं मसल स्पिंडल की सेंसरी सप्लाई सेंसरी सप्लाई मसल स्पिंडल की वन ए फाइबर्स मसल स्पिंडल की मोटर सप्लाई ए गैमा फाइबर्स ठीक है सही है ये मसल स्पिंडल्स कहाँ रिला, रिलाय करते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर में ठीक है और जो है एक्स्ट्रा फ्यूजल की कोई सेंसरी सप्लाई टच वगैरह के फाइबर्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा के अंदर लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन के एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर की मोटर सप्लाई ए अल्फा ठीक है और ए गैमा कैसे एक्टिवेट होते हैं को एक्टिवेशन होती है डिसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स ट्रैक्स के थ्रू और ये descending tracks कैसे एक्टिवेट होते हैं असेंडिंग ट्रैक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं ठीक है एक लोकल रिफ्लेक्स है और एक असेंडिंग ट्रैक ऊपर ब्रेन में इंफॉर्मेशन भेजते हैं जहां से फिर डिसेंडिंग ट्रैक आके जो है वो इस कॉन्ट्रेक्शन uh, को मेंटेन करता है कितने लोगों को ये बात क्लिक कर गई

यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है रिसेप्टर पढ़ा हुआ है जिसका नाम है मसल्स्पेंडल दिस इज़ द डिफरेंस क्लियर मैम एक दफा मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का बता दे प्लीज देखो मोनोसाइनेप्स का मतलब होता है एक साइनेप्स करना ठीक है एक साइनेप्स करने के लिए एक साइनेप्स करने के लिए ये मोनोसाइनेप्टिक होता है मोनोसाइनेप्स का मतलब होता है एक रिले करना एक साइनप्स करने के लिए दो न्यूरॉन रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है अगर मैं कहूं कि ये मोनोसाइनेप्टिक है इसका क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी कि इसमें दो न्यूरॉन्स होंगे और एक साइन होगा ठीक है अब मैं एक रिफ्लेक्स अब मैं बनाती हूँ अब आप देखो ये कितना जो है ना एक में बनाती हूँ अब मुझे बताओ ये कितना है अब ये कितना साइन बाय सिनेप अब क्या हुआ इसको गई थी अब ये कितना है अब मैंने एक और इसमें न्यूरॉन ऐड कर दिया बस बाय सिनेप बाय सिनेप्टिक में, में कितने न्यूरॉन है कितने न्यूरॉन है तीन दो न्यूरॉन नहीं मोनो सिनेप्टिक में दो न्यूरॉन बाय साइनेप्टिक में तीन न्यूरॉन ठीक है पॉली सिनेप्टिक तीन जो है तीन से ज्यादा न्यूरॉन पॉली

और उसमें देखो वॉलेंट्री फॉर एक्साम्पल अगर बाइसेप आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप फील करो यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करेगा ना ट्राइसेप को no. रिलैक्स होना पड़ेगा ना बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करना no. है तो ठीक है तो इसका क्या मतलब है है भी चल रही होती है, में ठीक है आपने एक पैर जमीन से उठाया राइट वाला पैर लेफ्ट वाला कहेगा नहीं हाँ, मैं भी साथ ही उठूंगा नहीं, तो क्यों हाँ, क्योंकि अगर राइट में फ्लेक्शन हो रही है तो लेफ्ट में क्या होगी एक्सटेंशन होगी दिस इज द क्रॉस एक्सटेंशन तो सही हाँ, हो गया ठीक हो गया सो so, आप इमेजिन कोई हाँ. भी मूवमेंट आप करो एक साइड पे जो मूवमेंट आप करते हो ना उसकी अपोजिट साइड ऑफ बॉडी पे उसकी अपोजिट मूवमेंट होती है मार्चिंग देखी है आपने एक हाथ आगे जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पीछे जाता है अगर आप इमेजिन करो दोनों हाथ आगे करके आप मार्च करो आप कर सकते हो यू विल फील वेरी अनकंफर्टेबल विद दैट आप कॉन्शियसली तो कर सकते हो ठीक है सो जो एक साइड पे मूवमेंट होती है उसके अपोजिट साइड पे उसकी अपोजिट मूवमेंट हो रही होती है जो एक कंपार्टमेंट में मूवमेंट हो रही होती है उसके अपोजिट कमेंट में उसकी इनहिबिशन हो रही होती है फॉर एक्साम्पल अगर बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब ट्राइसेप को इनहिबिटरी सिग्नल भी जाएगा कि भाई तुम रिलैक्स हो जाओ बिकॉज बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करने दो ठीक है लेकिन अगर हमें आर्थो को एक्सटेंड करना है तो उस वक्त बाइसेप के नहीं मैं तो कॉन्ट्रैक्ट होके रहूंगा नहीं ना फिर उस वक्त बाइसेप रिलैक्स हो जाएगा ट्रैप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको कौन इनहिबिट करेगा इनहिबिटरी सिग्नल्स आएंगे उसको इनहिबिटरी सिग्नल्स कैसे आएंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और वो एक्शन पोटेंशियल को स्टॉप कर देगा वहां सही होगा। गया तो इसी तो को हम लोग इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं नहीं इसको बिल्कुल भी इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स नहीं कहते हैं। मैं उसी की तरफ आ रही थी आपने खुद ही पूछ लिया अब देखो अब आप, आप में से सबने कभी ना कभी वजन उठाया होगा ठीक है चाहिए अच्छा अब आप मुझे बताओ आप सबकी एक मैक्सिमम वेट बेयरिंग एबिलिटी होगी आपके आप समझो हम नॉर्मली हाथों में वजन उठाते हैं शॉप पर उठाते हैं ठीक है आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने वजन आपने उठा के रखा है फॉर एग्जाम्पल आपने टेन के का एक शॉप पर उठा के रखा हुआ है और आपने उठा के कहीं आप मूव करो और ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि यू आर ट्राइंग टू ग्रैप दैट शॉप पर लेकिन वो आपके हाथ से ड्रॉप हो गया और आप वॉल्ट्री चाह रहे थे कि वो ना ड्रॉप हो और आपके हाथ से वो स्लिप हो गया स्लिप से मुरा दे कि ड्रॉप हो गया हुआ सबके साथ ऐसा हुआ है कोई ऐसा तो नहीं जिसके साथ ऐसा कभी ना हुआ

उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वेट डालते हैं ठीक है सही है और जो है मसल कहता है नहीं मैं उठा लूंगा उसको ठीक है तो टेंडन कहता है कि तुम तो उठा लोगे लेकिन मेरा क्या होगा मैं इधर से अब्चर हो जाऊंगा टेंडन अब्चर होते हैं ना ठीक है तो मैं मुझे नहीं इंजर्ड होना ठीक है तो तुम वजन गिरा दो नहीं मानते कहते नहीं मैंने होल्ड करना है वॉलंट्री एफर्ट है ना यू आर ट्राइंग टू होल्ड दैट

वन बी ठीक है वन बी और ये वन आई से स्लो होंगे यानी वन ए से बाद में एक्साइट होंगे ठीक है कब एक्साइट होंगे गोल्डी टेंडन इसको जीटीओ रिफ्लेक्स भी कहते हैं टेंशन को डिटेक्ट करते हैं किसको डिटेक्ट करते हैं टेंशन टेंशन को स्पिंडल एस से था ना स्पिंडल किसको डिटेक्ट करता है स्ट्रेच को स्ट्रेच ये किसको डिटेक्ट करते हैं टेंशन को ठीक है जब मसल में टेंशन बहुत बढ़ जाता है तो ये टेंडन टेंस हो जाते हैं और जब ये बहुत टेंस हो जाते हैं अब इनको करना क्या है इनको उस मसल को रिलैक्स करना है ठीक है ऐसे ही करना है ना इन्होंने क्या करना है मसल को रिलैक्स करना है ना मसल को कैसे रिलैक्स करेंगे मसल को कहेंगे रिलैक्स हो जाओ ऐसे तो नहीं मसल रिलैक्स होता है ना उसके कहने पे तो नहीं रिलैक्स होगा ना इनको क्या करना होगा आपके ख्याल में इनको क्या करना होगा इनको ए अल्फा मोटर को इनहिबिट करना होगा इसके बगैर मसल रिलैक्स हो सकता है अगर ये अल्फा मोटर न्यूरॉन इनहिबिट नहीं होगा तो नहीं हो सकता ना ठीक है तो ये क्या करते हैं वन बी फाइबर्स जो है स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं ठीक है और स्पाइनल कॉर्ड में जाके ये एक इंटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करते हैं ये देखो यहाँ पे एक मिनट तो हैंग हो गया एक सेकेंड से okay. अच्छा जस्ट गिव सेकंड मेरी हमें आवाज आ रही है ना मेरी जी मैम आ रही है पर हैंग हो गया जस्ट गिव मी अ सेकंड ओके सो 10, ने क्या किया डीटीओ ने क्या किया वो गया एक इनहेबिट्री न्यूरोन को एक्साइट कर दिया इनबिट्री न्यूरोन को क्या किया एक्साइट किया और उस इनहेबिट्री न्यूरोन ने एल्फा मोटर न्यूरोन को इनहिबिट कर दिया और मसल जो है वो रिलैक्स हो गया अब बीच में कितने न्यूरोन आए वन न्यूरोन

ठीक है ए अल्फा की कैटेगरी में वो आता है जनरल क्लासिफिकेशन में मगर ए अल्फा सारे मोटर नहीं है ठीक उस है उसमें उसमें सेंसरी भी भी मोटर है दिस cool? जी मैम ए एल्फा का वन बी फाइबर जो है सेंसरी फाइबर वो स्पाइनल कॉर्ड में जाके ए uh, एल्फा को वो करेगा क्या आप... वो टेंशन रिलीज कर दो यानी रिलैक्सेशन कर लो देखो इसमें एक करेक्शन है वन बी फाइबर्स टेंशन को डिटेक्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड में वो ए अल्फा को डायरेक्टली नहीं इनहिबिट करते बीच में एक इंटर न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं जो कि इनहिबिटरी होता है तभी तो ये बाइसैनैप्टिक रिफ्लेक्स होता है ना मैम एक बार रिपीट कर दें प्लीज ठीक है, tendon organ ने tension detect की। उसने neuron जो किया, किया। वो one use किया. वो spinal cord में गया। spinal cord के अंदर उसने बीच में एक इंटर न्यूरॉन को एक्टिवेट किया ये देखो इंटर न्यूरॉन ठीक है ये इनहिबिटरी न्यूरॉन है इसको एक्टिवेट किया इस इनहिबिटरी न्यूरॉन ने क्या किया इस इनिबिटी न्यूरॉन ने ए एल्फा को इनहिबिट कर दिया ये डॉटेड लाइन दिख रही मतलब है, रखना, अगर में शो हो, इसका मतलब है कि वो आगे जाके इनहिबिशन रहा है उसने ए अल्फा मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट कर दिया और ये मसल क्या हुआ रिलैक्स हो गया और ये वेट जो आपने उठाया था ये गिर गया रिपीट करते हैं ठीक है गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स ठीक है बायोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स ठीक है गोल्डी टेनन की जो सेंसरी सप्लाई है इसकी कोई गोल्डी गौ, टेनन की कोई मोटर सप्लाई नहीं है इट्स कॉल्ड इनवर्स स्ट्रेच यस इट इज इनवर्स रिफ्लेक्स क्योंकि इसने स्ट्रेच को क्या किया खत्म कर दिया ठीक है डी रिफ्लेक्स भी कहते हैं बाय बायसानेप्टिक रिफ्लेक्स है ठीक है वन बी से इंफॉर्मेशन गई टू द स्पाइनल कॉर्ड ठीक है उसने बीच में इंटर न्यूरॉन को एक्टिवेट किया वो इंटर न्यूरॉन क्या था इनहिबिटरी था और उसने किसको इनहिबिट कर दिया ए अल्फा मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट कर दिया ए अल्फा मोटर न्यूरॉन किसको सप्लाई करे थे को। Is this clear? Yes, ठीक है अभी मैंने न्यूक्लियर बैग और चेन फाइबर्स नहीं बताए आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे मैं आपको वो कल बताऊंगी ठीक है मैं अब आपको फ्लेक्सर विदड्रॉल रिफ्लेक्स या जो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है वो करवा देती हूँ सो कोएक्टिवेशन क्या करता है को एक्टिवेशन जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है जिसकी वजह से वी वी कैन कैन परफॉर्म आर मोटर एक्टिविटीज या मोटर मूवमेंट्स एफिशिएंटली। अदरवाइज जो है हमारी सारी मूवमेंट्स में जॉय होगी ठीक है सो दिस इज व्हाट वी डू विद हैमर ठीक है

ठीक हो गया और यही हम कर रहे होते हैं जो हेम हेमर मार मार के चेक कर रहे होते हैं ठीक है अच्छा जी अब हम आ जाते हैं पॉलिसनेप्टिक रिफ्लेक्स पर अब पॉलिसनेप्टिक इज वेरी इजी टू रिमेम्बर ठीक है कैसे इजी है जो पॉलिसनेप्टिक हम पढ़ेंगे वैसे तो बहुत सारे पॉलिसनेप्टिक रिफ्लेक्स हैं हम जो मेनली जो आपके जो ज्यादा पूछा जाता है वो होता है फ्लेक्सर विद्रॉल रिफ्लेक्स अब आप लोग सब इमेजिन करो कि आपका एक पांव जो है वो पत्थर नोकीले से पत्थर पे आ गया है अब आप वो अब आप इमेजिन करो कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी योर योर सोल ऑफ द फीट राइट फीट जो है उसने एक पॉइंटेड स्टोन के साथ और आप बेयर फुट है ठीक है ये स्टोन है ठीक है और आपका पाँव जो है इस पे आया है अब आप क्या और ये बहुत पॉइंटेड है और अब क्या होगा क्या रिएक्शन होगा कोई जरा मुझे कोई बताएगा राइट right साइड है क्या करोगे क्या होगा आपकी बॉडी में आप खुद नहीं करोगे इट्स ऑटोमेटिकॉ करेंगे भी 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 लेंगे. Okay. कर लेंगे. आप विदड्रॉ करोगे कौन सा पाओ विद्रॉ करोगे राइट right वाला के लेफ्ट वाला के दोनों राइट वाला राइट वाला तो लेफ्ट पे क्या होगा टेंशन होगी लेफ्ट पे क्या होगा अगर लेफ्ट का बैलेंस खराब हो जाए तो गिर सकते हो तो बैलेंस बैलेंसें गोर। yes. so, तो लेफ्ट वाला इंटेंशनली ज्यादा एक्सटेंड करेगा कि आप गिर ना जाओ ठीक है सही है एग्री दिस इज द द फ्लेक्सर विद रिफ्लेक्स आपने सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करना है सबसे पहले आपको क्या हुआ आपको दर्द हुआ यानी कौन से रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए नोसी सेप्टर्स एक्टिवेट हुए नोसी सेप्टर्स कौन से फाइबर्स हैं अगर आप रिकॉल करो तो नोसी जो है वो ए डेल्टा और मेनली सी फाइबर्स है ठीक है जो कि अगर हम सेंसरी क्लासिफिकेशन में जाए तो ये थ्री और फोर फाइबर्स बनते हैं और टू फाइबर्स भी बनते हैं एग्री ठीक है टू में टू से मरा दिए कि देखो जब आपको पेन एलिसिट हो रहा है तो यहाँ पे टच के भी रिसेप्टर्स हैं ना ठीक है तो वो भी तो एलिसिट होंगे ना जो हमने सारे कल टेक्टाइल रिसेप्टर्स पढ़े थे तो कहीं पे अगर आपको सोमा के अंदर कोई पेन हो रहा है तो वहां उसके आसपास के सारे टच के रिसेप्टर्स भी तो एलिसिट होंगे ना ठीक है सो मेनली कौन से रिसेप्टर्स एलिसिट हो रहे हैं पेन के रिसेप्टर्स एलिसिट हो रहे हैं मेनली ठीक है अगर उस पत्थर की जगह पे वहां पे कोई जो है आ, पेपर पड़ा होगा तो क्या ये रिस्पांस एलिसिट होगा आप बेयरफूटी हो क्या ये रिस्पांस एलिसिट होगा नो नो तो इसका मतलब है कि रिसेप्टर कौन से एलिसिट हुए हैं तो आपने विद्रॉ किया है पेन के रिसेप्टर. अगर ये के रिसेप्टर है, आप गार्डन में वॉक करो नीचे ना पहला पॉइंट ठीक है अगर आप ग्रास में मूव करो तो वो सिर्फ आपको टच की फीलिंग देगा ग्रास की फीलिंग आपके फुट में देगा तो इसलिए पेन के रिसेप्टर एलिसिट हुए ठीक हो गया आपने क्या किया पाँव उठा लिया ठीक है आपने क्या किया आपने क्या किया पेनफुल <coughs> स्टिमुलस हुआ ठीक है आपने क्या किया पाँव उठा लिया कौन सा पाँव उठा लिया जहां पे पेनफुल रिसेप्टर था तो आपने अपने पाँव को लिफ्ट किया ये क्या है फ्लेक्सर विड्रॉल विद्रॉ किया ना आपने उधर से सो दिस इज द फ्लेक्सर विदड्रॉल रिफ्लेक्स और अपोजिट साइड पे क्या हुआ अपोजिट साइड पे आपकी बॉडी का सारा वेट शिफ्ट हो गया ठीक है दैट इज द क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स इट इज अ रिफ्लेक्स पॉलिसाइनेटेड बाय द पेनफुल स्टिमुलस ठीक है इप्सिलेटरल साइड पे जो है फ्लेक्शन हुई ठीक है सही है जो भी आपके फ्लेक्सर्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक्सटेंसर्स रिलैक्स होंगे अपोजिट साइड पे जो है एक्सटेंसर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट uh, होंगे और फ्लेक्सर्स रिलैक्स होंगे और आपको पता है ना लेग में फ्लेक्सर्स पीछे होते हैं ठीक है और जो है एक्सटेंसर्स आगे होते हैं इस, और यही चीज अगर हाथ में होगी तो क्या होगा कि आपने गर्म चीज को टच किया तो आप जिस साइड पे टच करेगा और अपोजिट साइड हाउे फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल द क्रॉस एक्सटेंसर द सेम साइड मैम जिस साइड पे हमने टच किया या स्टोन को है या स्टोन स्टोन को को से उस पे विद फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होता है हाँ। और जो दूसरी साइड होती है उस पे एक्सटेंसर रिफ्लेक्स उसपेक्स yes, उसको है कहते है। हैं क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स ठीक है उसके दो रीजन होते हैं अगर वो हम लोअर लिम में कर रहे हैं तो क्रॉस एक्सटेंसर का काम होगा हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना अपर लिम में लेफ्ट जैसे अगर राइट आर्म में गर्म चीज टच हुई है तो लेफ्ट आर्म बैलेंस नहीं मेंटेन करने के लिए होता है लेफ्ट आर्म विड्रॉल का क्या मतलब होता है टू गेट अवे फ्रॉम द दैट नॉक्सियस स्टिमुलस ठीक हो या इज दिस क्लियर सो जो फ्लेक्सर विड्रॉल है दैट इज कपल्ड विद द एक्सटेंसर क्रॉसओवर रिफ्लेक्स रिपीट प्लीज मैं जो समझ से आया जो फ्लेक्सर विड्रॉल है वो कपल्ड mm -hmm. है टू द एक्सटेंसर रिफ्लेक्स के मतलब यस

पेनफुल ठीक है फ्लेक्शन और अपोजिट साइड पे एक्सटेंशन यस देखो अगर मैं बात कर रही हूँ अगर मैं बात कर रही हूँ फ्लेक्शन की तो एक सिंपल सी बात है जिस जो ग्रुप ऑफ द मसल फ्लेक्स करेगा उस लेग के एक्सटेंसर इनिबिट ही होंगे मैंने अभी जैसे आपको सिंपल बायोसेप की एग्जाम्पल दी थी कि अगर बायोसेप को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ट्राइसेप को ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना पड़ेगा ठीक है सो अगर हम इसको इसके चारों कंपोनेंट देखें अगर आपको इतना डिटेल में इसको देखना है ठीक है तो चारों कंपोनेंट देखें तो जिस साइड पे जिस साइड पे फ्लेक्सर्स एक्टिवेट हुए उस साइड के एक्सटेंसर्स इनहिबिट हुए

वो डिटेल में जाना है देखो यहाँ पे ये देखो ये नेगेटिव का यहाँ पे ये जो इंटर नेचर ठीक है so देखो बनते कैसे? एक न्यूरोट क्या -क्या? ब्रांच क्या, ब्रांच क्या, ब्रांच क्या, किया और वो एक सेम साइड पे एक काम कर रहा है एक ग्रुप ऑफ मसल के साथ उसी सेम साइड पे अपोजिट ग्रुप ऑफ मसल के साथ वो दूसरा काम कर रहा है बाय बीच में सो बेसिकली दिस इज द साइंस आई होप दिस इज क्लियर यस मैम यस मैम मैम एक जी। था। जी। था। 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 ना क्वेश्चन जी क्षमता नाइफ रिफ्लेक्स होता है जीटीओ से होता है बेटा हां वो मैं अभी बताऊंगी अभी मैंने नहीं बताया क्लास नाइफ अभी मैं बताऊंगी तो उसके लिए होल्ड कर लो मैम हां ये जो हमने अभी पढ़े हैं फ्लेक्सर विथड्रॉल और एक्सटेंसर रिफ्लेक्स ये रिफ्लेक्स आप किसकी टाइप्स हैं ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की टाइप है जो कि इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस है ठीक है यानी ये रिफ्लेक्सेस अगर जो है ना कॉन्शियसनेस लॉस भी हो जाए तो ये रिफ्लेक्सेस रिगेन हो जाते हैं ठीक है थीके? आप किसी आप पेशेंट को कोमा में होता है तो आप देखते हो ना कि पेनफुल स्टिमुलस से वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा देखते हो या नहीं देखते हो बेटा यस मैम देखते हो ना तो because it's reacting to the pain. Yes okay. Okay, Thank you. आगे पढ़ना है या हो गई है सेचुरेशन आज रिसेप्टिव <laughs> लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होती है और दूसरा जो है वो एक था कि मैकेनो ऑफ वॉर्म उसमें लिखा हुआ था कि लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड तो आप थोड़ा डिफरेंस बता दें क्योंकि डॉक्टर अक्सर कह रही थी कि डॉर्सल कॉलम मीडियल जो होता है उसकी होती है लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड और जो रूफनीज होते हैं उसकी होती है लार्ज रिसेप्टिव फील्ड तो इन दोनों का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था तो आप क्लियर कर सकती हैं देखो मेरी बात सुनो बेटा देखो आप देखो लॉन्ग रिसेप्टर फील्ड या लार्ज रिसेप्टर फील्ड कोई ऐसे वर्ड नहीं है डेजिग्नेटेड किसी भी आ, बुक में जो कि जो हम पढ़ते हैं ठीक है चाहे वो भी बीआरएस हो चाहे वो गाइटन हो गए ठीक है बेसिकली देखो बेसिकली <laughs> देखो, बेसिकल सुन लो अब देखो होता है क्या इसमें तो, एक सेकेंड होता है ओके लेट मी स्पीक आप देखो होता क्या है बेसिकली आप जब बात कर रहे हो रिसेप्टिव फील्ड की रिसेप्टिव फील्ड का मतलब क्या है पहले आप ये बात समझो रिसेप्टिव फील्ड का मतलब है कि वो रिसेप्टर कितने एरिया से रिसेप्शन कर रहा है दैट वी कॉल द रिसेप्टिव फील्ड ठीक है जो हमारे जो मिकैनो रिसेप्टर्स होते हैं जो टेक्टाइल जो के स्किन के अंदर होते हैं जो कि डॉर्सल कॉलम मीडिया लेमिनस्कल पाथवे के थ्रू जा रहे होते हैं ठीक है उनकी लोकलाइजेशन बहुत शार्प होती है ठीक है इसका क्या मतलब है बेसिकली जो वो बताना चाह रही होंगी जो मतलब मैं समझ रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी आइस क्लोज है ठीक है आपके पाम पे कोई दो पॉइंट्स को पे टच करता है दो पेन रख देता है दो पेंसिल की टिप्स रख देता है और आपसे पूछता है कि कितनी टिप्स आपको फेल्ट हो रही है ठीक है तो आप कहोगे कि मुझे आपको पाम पे या लिप्स पे आपको बहुत इजीली जो है मिनिमम डिस्टेंस पे जो है ये फेल्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत नियर होती है मीन यू कैन इजीली फील इवन दीज टू पॉइंट वेरी क्लियरली विच यू कैन विजुअलाइज ठीक है यही टिप अगर आप बैक ऑफ द जैसे स्कैपुल रखोगे ठीक है या थाइज में रखोगे ठीक है तो आपको ये पॉइंट्स दो सेपरेट पॉइंट के तौर पे फेल्ट नहीं होंगे ठीक है सो इसका इसका रीजन क्या होता है इसका सेम रीजन ये होता है कि आपको दो पॉइंट सेपरेट उस वक्त दो फेल्ट होंगे सेपरेट जब यहाँ का रिसेप्टर अलग है और यहाँ का रिसेप्टर अलग है और उनके न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन भी अलग अलग हो रही है ठीक है अगर ये रिसेप्टर दो अलग होने के बावजूद भी एक ही न्यूरॉन से ट्रांसमिट हो रहे हैं तो ये आपको एज अ सिंगल पॉइंट फेल होता है ठीक है सो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बहुत शार्पर होता है इसका क्या मतलब है कि वी कैन इजीली और सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी में टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बहुत शार्पर होता है कैसे देखो मैं आपको ये दिखा रही थी इससे आपको इसका जवाब मिल जाएगा अगर आप ये देखो ये हमारा ये हमारा ब्रेन है जो हमारी बॉडी को ऐसे देखता है ठीक है हम अपने ब्रेन की नजर में इतने खूबसूरत है ठीक है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखो ब्रेन के अंदर ये होमन इसको कहते हैं ठीक है ये सेंसरी होमन भी होता है मोटर होमन भी होता है इसका मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि मेरी बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट ब्रेन जो देख रहा है वो सिर्फ फेस देख रहा है और हैंड्स देख रहा है ठीक है बाकी आप देखो कि पार्ट्स जो है ये सारे इतने पार्ट में बाकी मोटर आता है ठीक है तो सबसे ज्यादा रिसेप्टिव जो फील्स होती है ये ये इतना बड़ा एरिया क्या शो कर रहा है कि इस एरिया में नंबर ऑफ रिसेप्टर्स दे आर इनॉर्मस इन आर बॉडी ठीक है एंड वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट इवन अ माइनर सेंसेशन इन दिस एरिया वेरी क्लियरली बिकॉज आपको पता है हैंड से हम सारे के सारे पिंसर जो काम करते हैं वो सारी हमारी फाइन मूवमेंट्स वो हैंड में होती हैं ठीक है थीके? और फेस से हमारा स्पीच वाला सारा का सारा काम हो रहा होता है यू गेट द पॉइंट सो बेसिकली वो चीज वो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है

ठीक है रूफनीज जो है ना ये प्रॉपर में भी काम करते हैं और डिप्रेशन में भी काम करते हैं ठीक है सही उसमें भी काम करते हैं और मैं आपको जो बेटा बुक्स के रेफरेंस दे रही हूँ मैं आपको सारी फॉरेन बुक्स के रेफरेंस दे रही हूँ मुझे लोकल जो इधर उधर से चीजें ना वो मुझे मुझे नहीं उसका आइडिया है तो अगर एमसीक्यू में कहीं आएगा ना तो विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू देन विद दैट रिस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ मेकिंग आर कॉन्सेप्ट रॉन्ग इट्स बेटर कि वो जो एमसीक्यू आएगा क्योंकि एमसीक्यूज में भी बेटा क्योंकि रिकॉल एमसीक्यूज होते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं उसमें मैम वैसे भी अभी क्लियर जो है ना वो रिसेप्टर टाइप डिस्कस किए नहीं है तो जब आप पढ़ाओगे ना तो उसमें डिटेल में आ जाएगा फिर मेडा वी हैव डिस्कस यस्टरडे द रिसेप्टर टाइप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट आप ओक नहीं ओक थे, थे, थे कल के लेक्चर में वी हैव डन दैट मैम फाइबर्स किए थे ना कल हमने मतलब प्री हमने रिसेप्टर्स हमने रिसेप्टर्स भी किए ना मिकैनन

ठीक ठीक है, है, फर्स्ट एड इज़ द मोस्ट वन, तो हमने See, वहां से हमारे पास एक डेढ़ मिनट रह गया सो इफ यू लुक एट ठीक है तो अगर सेरेबल कॉर्टेक्स को हम देखें ना तो जो सेंसरी एरिया था ना जहाँ पे वो असेंडिंग डीसीएमएल जा रहा था और स्पाइनोथ uh, जा, जा रहा था वो ये पार्ट था इस इज कॉल्ड द प्राइमरी एरिया और सोमैटो नॉर्मली प्राइमरी सोमैटो एरिया बोलते हैं ठीक है और ये जो एरिया होता है ये एरिया होता है वन टू थ्री ठीक है और इसी के आगे ये जो सल्कस है इसके आगे फ्रंटल लोब में ये प्राइमरी मोटर एरिया होता है सो बेसिकली जो असेंडिंग फाइबर्स थे मैंने आपको कहा था ना कल के लेयर फोर में जाते हैं सो so वो लेयर फोर में कहाँ जाते हैं सोमैटो एरिया में जाते हैं ठीक है फॉर्म में और किस तरह जाते हैं वो हमारी पूरी बॉडी इस तरह रिप्रेजेंटेड है जैसे ये मोटर ओमन किल्स है ठीक है थीके? इस तरह से रिप्रेजेंटेटेड है और आप अगर देखो ठीक है तो आप देखो कि यहाँ पर लेग और फुट है मीडियल आप अपने जो है टॉप ऑफ द जो है हेड को टच करो सेंटर में तो वो जो सेंटर है वो आपका नी एरिया है ठीक है और उसके नीचे मीडियल अंदर की तरफ जो है ना ठीक है वो वहां पे लेग और फुट का एरिया आता है ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इम्पोर्टेंट है जब हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे ना इंटीरियर आर्टरी आर्टरी एरिया एरिया को को सप्लाई सप्लाई करता करता है करता है मिडिल तो आपको वह, वहां पर बात समझ में आएगी कि, कि कौन सी कौन सी आर्टरी डैमेज है तो कौन सा लॉस हो रहा है तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये एरिया की अगर ब्लड सप्लाई लॉस है तो मेनली लोअर लिम अफेक्ट होगा अपर लिम नहीं अफेक्ट होगा यहाँ पे एग्री